आज वैकुंठ एकादशी के शुभ अवसर पर तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से आस्था और भक्ति से भरपूर नजारे सामने आए। वैकुंठ एकादशी पर तिरुचिरापल्ली के श्री रंगम स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में आज परम पद वासल भक्तों के लिए खोला गया, जिसे स्वर्ग का सातवां द्वार भी कहा जाता है। स्वर्ग के सातवें द्वार की शास्त्रों में विशेष पौराणिक मान्यता है। श्री रंगम द्वीप पर स्थित ये विश्व प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु की शेषनाग शैया पर विराजित मूर्ति स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में आदिशेष पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति है। इन्हें ही रंगनाथ स्वामी या रंगनाथर कहा जाता है। इसके अलावा गर्भगृह में देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित है, जिन्हें रंगनाई की थायर कहा जाता है। वैकुंठ एकादशी प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के शुक्ल पक्ष या मार्गाजी महीने के 11वें चंद्र दिवस पर मनाई जाती है। मार्गाजी तमिल कैलेंडर में नवे महीने का नाम है। इसे हिंदू कैलेंडर में मार्गशीर्ष कहा जाता है।